स्मार्ट सिटी के दायरे में आई भोपाल के जवाहर चौक से 140 दुकानें हटाए जाने का विरोध बढ़ने लगा है। आर्य समाज मंदिर के पास बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों के साथ मौके पर पहुंचकर कार सेवा भी की। सुरेंद्र नाथ सिंह ने आरोप लगाया कि पक्की दुकानें हटाए जाने के बाद अब तक दुकानदारों को दुकानें नहीं मिली हैं। पूर्व विधायक ने दुकानदारों को जल्द दुकानें देने और दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। साल पहले स्मार्ट सिटी ने जवाहर चौक के पास जो दुकानें थी, पक्की दुकान थी और वो नगर निगम की दुकानें थी, उनके पैसे जमा वहाँ पे किराया भरते थे उसका, वो तोड़ दिया है और एक साल से रोज घुमा रहे हैं उनको, कल देंगे परसों देंगे। और ये जगह भी करीब 2 महीने पहले चिन्हित कर दी कि यहाँ टेम्परेरी अपन व्यवस्था कर देंगे ताकि अपनी वो दुकान लगाए, फिर बाद में जब पक्का बन जाएगा तो करेंगे वो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए हमने सब व्यापारियों के साथ मिलकर कल से कार सेवा शुरू की यहाँ पे कि इसको लेबल करके, भाई वो नहीं कर पा रहे हैं, हम ही करते हैं भैया। भाई ये जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं, भाई स्मार्ट सिटी बना रहे हो आप, जब यहाँ के लोगों को हटा रहे हो आप, तो उनकी पहले व्यवस्था करो ना कि उनको कहाँ रखोगे। भाई झुग्गी हटा दी, ठीक है हटाने का हम विरोध थोड़ा कर रहे हैं, हम तो बोल रहे उनको प्रॉपर जगह जो दो, मतलब ये तो मतलब सरासर अन्याय है जो भी, बल्कि जो दोषी कर्मचारी हैं स्मार्ट सिटी के, इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भाई ये सब काम सरकार अच्छे के लिए कर रही है कि बुरे के लिए कर रही है, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं ये इमेज खराब कर रहे हैं।